So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, here we are about to start the session. I am extremely sorry for the delay because sometimes it takes more time because we are getting few new things for you. अखबार में अगर कुछ आएगा नहीं बट हमें तो आपकी हेल्प करनी है. सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट हेयर एंड टूडे ऑल्सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड सम पास्ट ईयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन. पिछले साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं हमने, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. एटलीस्ट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड सम ट्रेंड. आप यूपीएससी के कुछ ट्रेंड को समझ पाएंगे, वट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर दे आस्किंग. ओके, so we are uploading our PDF on our telegram group. The PDF has been uploaded on our telegram group. You can download the PDF from there. आप जाके PDF download कर सकते हो. Okay, so here we are about to start and welcome all. So let me look into the comments. Vivek, Mohit, Pooja, Prasad, good morning. Ajay, good morning. Kirti, good morning. Prasad, I am very much here only. Polytechnic official sir कहाँ आया नहीं. Okay, आ गया हूँ भाई. अयंत का गुड मॉर्निंग. गौतम, अनु, कर्ण, बपन, गौतम सर आपका नाम क्या है, नाम में क्या रखा है गौतम जी. सो वैसे मेरा नाम वरुण है, वरुण. ओके, कन्हैया चौरसिया सर गुड मॉर्निंग. प्रदीप गुड मॉर्निंग. यमनदीप गुड मॉर्निंग. निसार गुड मॉर्निंग. प्रांजल, आरती, संतोष, कौशल, हर्षिता गुड मॉर्निंग. राहुल गुड मॉर्निंग. शिवाय दुबे गुड मॉर्निंग. जायद, ओके कौशल जी. सर मीडियम आपका हिंदी नहीं है, मीडियम मेरा मिक्स है कौशल जी. सो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलेंगे, दोनों को देखेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना. सो एक्चुअली हम जनता के हिसाब से चलते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं. सो आधी जनता कहती है कि इंग्लिश यूज़ करो, आधी जनता कहती है कि हिंदी यूज़ करो. तो इस समस्या से दूरी बनाए रखते हुए हम दोनों ही जो है भाषाओं का प्रयोग करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस. सो एज यू कैन फिगर इट आउट, आई विल रिपीट सेम थिंग्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस हियर, इंग्लिश एज वेल एन हिंदी. हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद साथ साथ किया जाता है यहाँ पे. ओके, ताकि सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे हेल्प हो सके. सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द सेशन. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन टुडे सेशन. देखिए आज की अखबार आपके लिए क्या खास लेके आई है. सो हियर वी हैव दिस न्यूज, सोनिया रिमेन्स द चीफ, कांग्रेस कॉल्स चिंतन शिविर टू डिस्कस राउट. ओके, सो ये चिंतन चलता रहेगा. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू नो वाई दे आर फेलिंग. ओके, वाई दे आर फेलिंग. एंड इन टूडेज एडिटोरियल एज वेल, वन दैट एडिटोरियल वॉज रिटन बाय वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम बीजेपी साइड, विनय सहस्त्रबुद्धे. उन्होंने वो एडिटोरियल लिखा है और उन्होंने बताया है कि हाउ बीजेपी इज एक्टिंग डिफरेंटली, भी क्या अलग कर रही है जो जीत रही है, और कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी क्या है. सो वन यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक देर इज अ मेजर डिस्कनेक्ट बिटवीन यू कैन से कांग्रेस लीडर्स एज वेल एज मासिस, जनता और एक तरीके से कांग्रेस के बीच में पूरा डिस्कनेक्ट है. डिस्कनेक्ट कहाँ से नजर आता है आपको, the leaders that they have, they are second generation leader. मतलब परिवारवाद एक तरीके से ज्यादा है वहां पे, dynastic politics का एक symbol है कांग्रेस. This is what we have to understand. Okay, and like you look at the leaders, you will find कि ऐसा है वहां पे mostly leaders में. So in that scenario, definitely you are completely disconnected with the ground worker. Okay, this is one part. अब ये चीज समझ में आ गई. And we'll move to the next part. आगे चलते हैं, देखिए. Prime Minister briefed on missile issue, reviews defense situation. Now this is really really important, something that has happened. Okay, so we know this particular part that yesterday, two days back, there was one Indian missile. It was a BrahMos missile, and it misfired. Misfired in the sense that by mistake, वो जो है पाकिस्तान की तरफ लॉन्च हो गई, and it covered nearly 124 kilometers. 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चली गई वो मिसाइल. ओके, लकीली नो वन वॉज लाइक डैमेज, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, नुकसान किसी का नहीं हुआ. और यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के बीच में वेयर यू हैव डिस्ट्रस्ट, व्हेन यू डोंट ट्रस्ट ईच अदर, ट्रस्ट डेफिसिट इज रियली वेरी हाई. तो जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट हाई होता है, डेफिनेटली दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज दीज कुड बी योर ट्रिगरिंग इवेंट्स. ये है आपके ट्रिगरिंग इवेंट्स. देर इज अनदर एंगल दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग हेयर. नाउ वी नो वन थिंग, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत एक तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में.
One of the use of artificial intelligence is the self-triggering weapons. Okay, जो weapon खुद ब खुद launch हो जाएंगे, self-triggering weapon in your defense, you can have those weapons. आप अपने defense में वो weapons लगा सकते हो. Now the point is that when we are going to have those self-triggering weapons, the chances of full-fledged war will increase further. क्योंकि इस type की mistakes हो सकती हैं. आप ये चीज ध्यान रखना, सेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर द सेल्फ ट्रिगरिंग वेपन विल नॉट टेक एनी ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर वो नहीं लेगा और वो लॉन्च हो जाएगा. एंड इन दिस सिनेरियो व्हेन यू आर हैविंग ट्रस्ट डेफिसिट विद योर, यू कैन से नेबर्स, जहां ट्रस्ट डेफिसिट है आपके नेबर्स के बीच में, वहां प्रॉब्लम आ सकती है. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. ओके, नाउ पाकिस्तान इज सेइंग दैट देयर शुड बी ज्वाइंट, यू कैन से इन्वेस्टिगेशन व्हाई दिस हैज हैपेंड, दिस एंड दैट. इमरान खान यस्टरडे मेड द स्टेटमेंट दैट ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही कुड हैव गिवन द बिन, यू नो, बिफिटिंग रिप्लाई टू इंडियन. भाई इंडियंस का मुंह तोड़ देते, इंडियंस को तगड़ा जवाब देते. इस ये सब स्टेटमेंट्स वो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादातर ऐसा नहीं कर रहे हैं. सो लाइक दिस इज वॉट दे आर सेइंग, इट वॉज अ मिस फायर फ्रॉम आर साइड, हमारी थोड़ी गलती थी, तो हम जरूर इसको देखेंगे. और वो अनआर्म्ड थी, दिस मिसाइल वॉज अनआर्म्ड, इट मीन्स दैट इट वॉज नॉट कैरिंग अ पेलोड, उसके अंदर बम का मसाला नहीं डाला हुआ था, ठीक है ना. नाइदर इट वॉज हैविंग एनी न्यूक्लियर, यू कैन से स्टॉकपाइल और एनीथिंग एल्स. सो इट वॉज नथिंग, इट कम्प्लीटली लाइक लैंडेड इन पाकिस्तान और इट वॉज अनआर्म्ड मिसाइल, ठीक है. तो कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो दिस इज हाउ, दिस इज द सिचुएशन. बट डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स इन फ्यूचर, आप भविष्य में जरूर इन चीजों को अवॉइड करना चाहेंगे. एंड दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड दिस मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग यहाँ पे बुलाई है टू डिस्कस द सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस, ओवरऑल सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस, हाउ प्रिपेयर्ड वी आर. ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, आपके पड़ोस में इतनी गड़बड़ है, पाकिस्तान के साथ आपका पंगा है, चाइना के साथ आपका पंगा है. ओके, एंड इफ यू लुक इन टू द साउथ, ये साउथ को देखें तो श्रीलंका, श्रीलंका ऑल्सो हैव गुड रिलेशन विद चाइना. नाउ हेयर वी हैव बांग्लादेश, बांग्लादेश इंजॉयज गुड रिलेशन विद चाइना. अब अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दीज थिंग्स आर देयर. एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एनसर्कलिंग ऑफ इंडिया. ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का यहाँ पे एक एंगल भी आ जाता है, वो भी चाइनीज डिजाइन है, that they want to encircle India. Now in this scenario with such a hostile neighbor, aapko zarur apni defense preparedness ko acha karna padega. Okay, so this is how the situation is right now. Now Chinese, they have their presence in this area, they are very assertive about it. Okay, wo bahut assertive hai, Arunachal mein bhi claim kar rahe hain, and they are someone who are occupying the territory by using the military means. To how long are you going to tolerate it? अगर चाइनीज इस पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस से वापस बाहर नहीं जाते हैं, ओके, वी नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट, यहाँ पे एक उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है. इफ दे डोंट फॉल बैक, दे डोंट मूव बैक, इट इज गोइंग टू बी अ मेजर क्राइसिस फॉर अस. वट आंसर डू वी हैव टू दैट? क्या होगा? क्या जंग की जाएगी? वेदर इट इज वायबल, बिकॉज योर इकोनॉमी विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द फाइट विल बी अगेंस्ट चाइना. आर यू रेडी टू डू दैट? So these are some of the things that we have to understand. Okay, international pressure बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, but कितना करते हैं ये देखा जाएगा. Now there is another, you can say, angle to that. 35 killed in Russian attack. Indian relocates embassies to in Ukraine to Poland. Okay, this is what we are doing and 35 killed. Now what exactly is happening here? Okay, Russians have started targeting the western areas. So western areas of Ukraine, they are being targeted right now, and the 35 people who are losing their life, they were near the Polish border, Poland ke border ke nazdik aisa hua hai. And in that, the Ukrainian president is now urging that NATO should declare no fly zone across Ukraine. Okay, now what do you mean by no fly zone? It means that no flying object will be allowed. Koi bhi flying object yahan pe allowed nahi hoga. Okay, ab isko declare karne se baat nahi banti hai, only the declaration is not sufficient. Why I am saying this? Because you have to implement it as well. Isko implement bhi karna padega. Now what does this implementation means? Isko implement karne ka matlab kya hai? So if Russians helicopters or aircrafts, they are flying over the Ukrainian border, Ukrainian area, तो उसको मार गिराया जाए. It means that NATO missiles which will be deployed here, यहाँ पे NATO missiles लगाई होंगी, and as soon as they will see a detector Russian movement of helicopter or aircraft, the missile will be launched to completely destroy it.
अब इसके अंदर देर इज अनदर न्यूज दैट इज इमर्जिंग नाउ, वो इंडिया के लिए भी कंसर्न है. दैट कंसर्न वॉज दैट रशियंस आर नॉट यूजिंग देयर एयरफोर्स. रशियंस अपनी एयरफोर्स यूज नहीं कर रहे हैं. Why is that happening? Now, concern for India is majorly because 70% of your Indian Air Force, we are buying equipment from Russians. Either those particular jet planes, whatever Russians are having, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. Okay, this could be one reason. Their pilots are ill-trained. Maybe this could be the reason. Other thing that you have to understand is that Ukraine also has something called S-300. Okay, that is anti-missile system or anti-airborne attack system. Now, they already have this system, so which can target the Russian incoming planes. Ye angle samajhna hoga. Apart from that, the another angle that you have to understand, ye to iski ek baat ho gayi. Aapne ek cheez suni hogi starting mein, Russia has completely destroyed Ukraine's anti-aircraft system. Okay, जहां जहां पे anti-aircraft system था यूक्रेन का, वो destroy कर दिया रशिया ने. But Russians have not been able to do the moving anti-aircraft system. Now they are soldiers of Ukraine, they are carrying javelin missile वो अपने कंधे पे रख के launch होते हैं. They are moving arrangement, वो यहां पे moving arrangement के साथ है, ठीक है ना, वो यहां पे मूविंग अरेंजमेंट के साथ है. तो जो चीज मूवेबल आपके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था, दैट हैज स्टिल नॉट बीन टारगेटेड, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, वो आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज हाउ द पॉइंट इज. ये पूरा गेम समझना जरूरी है, ठीक है ना. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस सेशन. नाउ वी विल मूव टू द एडिटोरियल सेशन. सो बिफोर मूविंग टू द एडिटोरियल सेशन, लेट मी introduce you to a new type of question that was asked in 2018 prelims. Okay, 2018 prelims mein ye sawal kiya gaya tha. Now, who among the following were founders of Hind Mazdoor Sabha established in 1948? Please pay attention here. I am just introducing few things to you. Why is that? Because most of us, we study our history, modern history, only till 1947. कि भाई देश को आजाद करवा दिया, काम खत्म. यूपीएससी हैज चेंज्ड द ट्रेंड एंड राइट नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस बियॉन्ड 1947 एज वेल. 1947 के अलावा भी सवाल किए जा रहे हैं. सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू यू विच इज द राइट आंसर, दैट हु अमंग द फॉलोइंग वर फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948. The point that I am making is this question, if you see the difficulty level, okay, ye difficult question mein count hoga because traditionally people don't study such things. Log bilkul bhi padke nahi aate and then UPSC will surprise them. And this was the surprise that they brought in 2018 prelims. Okay, so this is what you have to understand. Now, I am saying that UPSC did ask a question in 2018. Ab sawal to unhone pooch liya. क्या सिर्फ तीन ही फाउंडर थे? नहीं, और भी फाउंडर थे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू अदर एस्पेक्ट एज वेल. नाउ दीज आर द नेम्स हु फाउंडेड दिस पर्टिकुलर हिंद मजदूर सभा. सो बसवंत सिंह, अशोक मेहता, आर एस रुईकर, मीना बेन कारा, सबीनाथ बेनर्जी, आर ए खेड़गीकर, टी एस रामानुजम, वी एस माथुर, जी जी मेहता. Now you can find these names. So Ashok Mehta is there, T.S. Ramanujam is there, G.G. Mehta is there. Okay. So D is the right answer. D is the right answer to this question. I am saying that ab ye teen to aa gaye, iske alawa bhi to pooch lo. To iske alawa these other people are there, you should remember their name because the question had already been asked in UPSC. Sawal to already kiya ja chuka hai. So other information is relevant for your exam. Baki information aapke kaam ki hai. This is what we have to cover. Ye cheez hame cover karni padegi. ओके, दिस इज द अदर टाइप ऑफ प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन. अब ये एक और टाइप का सवाल है, विच इज सेइंग दैट इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड द पॉइंट इज दैट यू मे नॉट फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द ट्रेडिशनल बुक दैट वी कवर. जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते हैं चीजें, उसमें क्या पता ना मिले. एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी फाउंड इन एनसीईआरटी. अब ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी. सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. भी किसने अपना नाम स्वराज्य सभा की तरफ चेंज किया.
ओके, 1920 की बात हो रही है. सो देर आर फोर ऑप्शंस दैट आर देयर: सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सदरन साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, ऑल इंडिया होम रूल लीग. ओके, नाउ दीज ऑप्शंस आर देयर एंड द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग, इट इज अ प्योरली अ फैक्चुअल क्वेश्चन. द राइट आंसर इज योर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग. दे चेंज देयर नेम टू स्वराज्य सभा इन 1920. Now, Gandhiji joined this league and accepted the presidentship of a renamed organization, that is Swarajya Sabha. Now, Gandhiji iske president bane the. Okay? This is the other relevant information that you have to understand. Wo sawal to ban gaya, uske alawa kya? That is what you have to learn. Wo aapko yahan pe learn karna hai. Okay? So, we'll move to this particular editorial that has been asked in your UPSC exam. Ab UPSC, no, in today's newspaper, this is what we have as editorial. Aaj ke newspaper mein ye aapka editorial hai. No ovation for India's stand on Ukrainian war. Now, this editorial points towards few things. Ab ye leke aa rahe hain ki moral, kya step banta hai India ka? Okay? Moral angle they are exploring in your international relations, in your foreign policy. So I am asking this thing to you, what is your, you can say, point of view if you think morally. Agar aap morally sochte ho, ideally sochte ho, so what is your point of view? You are as a human being, what is your point of view that Russia, which is a country which is 10 times stronger than Ukraine, okay? Now, Russia has attacked Ukraine. If we bring the moral argument into it, morally, kya cheez ye sahi ho rahi hai? No. Okay? Now, the point is that if India considers morally, then India should criticize Russia. Agar hum morally sunenge, sochenge, to we should criticize Russia. Okay? Because definitely a country which is 10 times stronger than Ukraine is attacking Ukraine. Because other angle is that right now China, which is stronger than India, is bullying India on its border. China bhi to humare saath wahi kar raha hai, jo Russia Ukraine ke saath kar raha hai. No doubt we are not that weak as Ukraine. So jo power difference hai, wo itna jada nahi hai humme aur Chinese mein. Okay? So unke beech mein difference bohut jada hai. And in that scenario, like, what do you think? If you are not criticizing Russians here, so this editorial is saying that we don't have any moral leverage to criticize China. कि अगर हम Russians को criticize नहीं कर रहे हैं, तो Chinese को भी नहीं करना चाहिए. भी क्यों नहीं करना चाहिए? Because this is the point. Now you need to understand there are some other angles that are to be explored. अब इसके अंदर बात ये आती है. Whether what India is doing, is it right? What India is doing, is India right? Okay. The thing is that this is what we call realism. You are addressing the reality. Aap reality ko dekh rahe ho yahan pe. Why I am saying that reality? 70% of your equipments we are getting from Russians. Okay. Hum Russia se le rahe hain. Aapke equipments aa rahe hain, unse aa rahe hain. This is one argument. Other argument is that on the Kashmir issue, okay, we have been helped by Soviet Union. Soviet Union ne hamari bahut madad ki thi Kashmir mudde pe. Because Western countries, they were pro-Pakistan when the matter of Kashmir went to the United Nations. Jab is maamle ko UN mein leke jaya gaya tha, tab USSR ne India ki help ki thi wahan pe. This is one point. Another angle is that you talk about your space technology. आप अपने space technology की बात करें. Again, we were helped by Russians. You talk about your nuclear technology. Again, we were helped by our Russians. Okay? So, Russians ने हमारी बहुत help की है यहाँ पे. So, we have to understand this aspect and this is the reason why we are not criticizing Russia. Other reason is that there is China factor to that and Pakistan factor to that. Now, both of them, they are not criticizing Russia. So, क्या इंडिया ये चाहता है कि रशिया जो है चाइना और पाकिस्तान के ज्यादा क्लोजर हो जाए? No. We have to match them. If they are abstaining from voting, चाइना पाकिस्तान रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया शुड ऑल्सो नॉट डू दैट. दैट्स द पॉइंट. ओके, दैट्स द पॉइंट. दिस इज वॉट दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट. सो दिस एडिटोरियल स्टेट्स दैट ओके दैट Like we,
दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी. एंड आई एम सेइंग दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस. वो सिर्फ इलेक्शंस वोटर्स राइट तक लिमिटेड नहीं रहता. इट हैज इट्स इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स पीस, टॉलरेंस. दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो देयर. शांति, टॉलरेंस लेना. महात्मा गांधी क्यों एक तरीके से सत्याग्रह करते थे. एंड दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. वी आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी. ये हमारा एक तरीके से बेस है. ओके, ये हमारा एक तरीके से बेस है. दिस इज द पॉइंट दैट इज देयर. एंड राइट नाउ वी हैव रिफ्यूज टू कंडेम. हमने कंडेम नहीं किया है यहां पे. ओके, दैट्स द पॉइंट. हमने बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया है. This is the point. And this editorial is saying that international affairs, like a country, must be guided by national interest and not some abstract principles. And this is right. We are completely guided by our national interest. And national interest of India is to balance China. National interest of India is that we are dependent on Russians. That's the point. That's the point. So again, like we were helped by Soviet Union on Pakistan issue. We know this particular part here, okay? And that's why we can't condemn Russian. But the point is that if this is our stand, then in China's case as well, we cannot criticize China. So China jab aapke against assertiveness dikhata hai, so aap victim ho jate ho usme. Okay? That's the point here. That's the point. There is another argument that is related to your defense supply. And I have told you that we are reliant on Russians. Hum equipment ke liye Russians pe reliant hain. Okay. And it is indeed correct that India relies on Russians for such equipment and their spare parts. और ये बात समझ में आनी चाहिए. सो दिस एडिटोरियल इज सेइंग दैट डोंट रिलाय ऑन रशियंस. इंटरनेशनल मार्केट में सामान मिल जाएगा. ओके, डाइवर्सिफाई योर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. डिफेंस इक्विपमेंट को डाइवर्सिफाई करो. बाय इट फ्रॉम स्वीडिश, बाय इट फ्रॉम यूके, बाय इट फ्रॉम फ्रांस. उनसे ये चीजें खरीद लो. बट आई एम सेइंग दैट इट इज गोइंग टू टेक टाइम. इतनी जल्दी नहीं होता, चुटकियों में नहीं होता काम. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. ओके, इट इज गोइंग टू टेक टाइम. सो दिस इज हाउ द थिंग इज. यू वॉन्ट डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होती है चीजें. ठीक है ना? सो ये बात समझ में आनी चाहिए. सो अदर पॉइंट इज रिगार्डिंग द पॉलिसीज दैट वी हैड सो फार. सो ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू वी हैड पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब मोदी जी चाहते हैं इंडिया को विश्व गुरु बनाना. वी वॉन्ट टू बिकम अ वर्ल्ड टीचर. बट द पॉइंट हेयर इज दैट वी कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड टीचर. ओके, If we are not criticizing the wrong, जब आप गलत को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो तो आप वर्ल्ड टीचर नहीं बन सकते. ओके, इफ यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द रॉन्ग, यू कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड टीचर. दिस इज द पॉइंट दे आर बींग मेड हियर, दे आर मेकिंग हियर. ये पॉइंट यहां पर ऐसा बनाया जा रहा है. ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट दे आर मेकिंग. ओके, सो इफ इंडिया इज एस्पायरिंग इट सेल्फ टू बी अ वर्ल्ड टीचर, तो वो सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपके कामों में भी दिखना चाहिए. ठीक है ना? एंड टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड. टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर. ओके, एंड दिस आर्ग्यूमेंट दे आर मेकिंग दैट इंडिया शुड स्पीक ट्रूथ टू रशियंस हियर, दैट व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग. बट रियलिटी को थोड़ा समझना जरूरी है. इमोशंस में आके काम नहीं करना होता. ओके, रियलिटी इज दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम. वी हैव टू बैलेंस चाइना एंड पाकिस्तान. So this is the point you have to understand. Okay. So guys, whatever point you are making in the comment section, I will discuss that. Usko main zarur discuss karunga. But once this session is complete. Okay. Now in prelims 2019, UPSC did ask this type of question. Jaisa maine aapko bataya, jo hai sawal ka ab type change ho gaya hai. Okay. So this question was asked that 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ किसके राज में 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था. सो व्हाट डू यू से, दिस इज द एडिशनल क्वेश्चन. व्हाट डू यू से, सो यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स बियॉन्ड 1947 नाउ. ओके, 1947 के बाहर जाना पड़ेगा आपको. थोड़ा आपको और होलिस्टिकली जानना जरूरी है. ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. 9th शेड्यूल, डू यू नो व्हाई दिस 9th शेड्यूल वाज ब्रॉट? व्हाट वाज द रीजन?
वो भी आपको खेल आना चाहिए. सो द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के टाइम पे ये हुआ था. नाउ देर इज अ हिस्ट्री टू दैट. दिस नाइन्थ शेड्यूल वॉज ब्रॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 18th June 1951 टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम. ठीक है, अब देखो बात क्या थी, जमींदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, ये तो अबॉलिश कर दिया गया. ओके, बट इट वॉज कंटेस्टेड इन कोर्ट. अब ऐसे मामले जो है कोर्ट में जाने लगे, एंड अदर देन दैट लैंड रेवेन्यू, ओके, इट वॉज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था. स्टेट गवर्नमेंट्स भी परेशान हो गई कि हर मामला तो कोर्ट में जा रहा है. ओके, सो ये जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कैसे किया जाए. इन दैट सिनेरियो दिस वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट दैट वॉज ब्रॉट इन. ओके, एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इसको इनकलकट करने के लिए लाया गया था. द आइडिया वॉज दैट नाइन शेड्यूल्स कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. नाइन्थ शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. प्लीज पे अटेंशन. नाउ द पॉइंट इज दैट दिस नाइन्थ शेड्यूल वॉज ब्रॉट इन, लेकिन चीजें एज इट इज वैसी नहीं रही हैं. व्हाई आई एम सेइंग लेटर ऑन इन 1973 विद मल्टीपल जजमेंट्स. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट नाउ लॉज विच हैव बीन पास्ड आफ्टर 1973, दोज लॉज कैन स्टिल बी क्वेश्चन्ड बाय द जुडिशरी. बेसिक स्ट्रक्चर आ गया था और जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर. अब जुडिशियल रिव्यू भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा था. इन दैट सिनेरियो जुडिशरी कैटेगरिकली पॉइंटेड आउट दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इवन इफ यू आर पुटिंग फ्यू थिंग्स इन योर नाइन्थ शेड्यूल, आप नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल भी दो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको भी रिव्यू कर लेंगे. ओके, दिस इज द पॉइंट. बट इनिशियली लाइक आउट ऑफ सम ऑफ द लॉज 284 नंबर ऑफ लॉज दैट वर शील्डेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू बाय पुटिंग देम इन दिस नाइन्थ शेड्यूल, 90% ऑफ लॉज आर अबाउट एग्रीकल्चर. ओके, एंड लैंड होल्डिंग. तो जमींदारी सिस्टम को हटाने से रिलेटेड ये कानून थे, एंड इट वॉज डन ड्यूरिंग द जवाहरलाल नेहरू, यू कैन से राज है और उन्हीं का ही वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एंड दिस इज वॉट वॉज गिवन. ओके, तो ये पूरी कहानी है जो आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ थिंग दैट इट वॉज पार्ट ऑफ योर फर्स्ट अमेंडमेंट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट का ही हिस्सा था. ओके, एंड इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेन ड्राफ्ट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं था. ओके, जो इनिशियली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना के भेजा था. सो दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ देर इज अनदर क्वेश्चन दैट आई एम ब्रिंगिंग है. देखिए प्रीलिम्स 2019 का एक और सवाल. द क्वेश्चन इज दैट कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. ओके, तो बताइए क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कोल नेशनलाइजेशन हुआ था. अनदर क्वेश्चन दे आर कमिंग आउट विज दैट नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. आज की डेट में क्या कोल ब्लॉक लॉटरी बेस पे मिलता है. थर्ड इज रिगार्डिंग दिस पॉइंट दैट टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन. तो इस सवाल का जवाब आपको देना होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट आंसर. एंड आई एम सेइंग दिस, यू कैन गिव दिस क्वेश्चन अ राइट आंसर बाय योर कॉमन सेंस एज वेल. आप एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो और उससे आपको सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा. आई विल शो यू हाउ इट विल बी. ओके, फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी ओनली, इन्हीं के टाइम हुआ था. तो अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है, हैव यू सीन गैंग्स ऑफ वसेपुर. ओके, गैंग्स ऑफ वसेपुर, इफ समवन हैज सीन गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट वन, तो ये बात तो उनको पता होगी कि वहां पे ये जिक्र आता है द कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. सो दिस इज करेक्ट. अब जरा ऑप्शन को देखो आप, प्लीज लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव हियर. ओके, सो देयर आर फोर ऑप्शंस बट वन इज प्रेजेंट ओनली इन टू. तो या तो ये ए होगा या डी होगा, आइदर इट इज गोइंग टू बी ए और डी. नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट दैट दे आर मेकिंग. द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. आपने कोल का ऑक्शन सुना है, अब तो कोल का ऑक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, लॉटरी बेसिस पे नहीं होता ये. ओके, बिडिंग होती है बकायदा.
सो वी नो दैट आफ्टर द कोल स्कैम, ये याद होना चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये कहता है कि अब बिडिंग होगा। स्कैम इसीलिए तो हुआ था क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता था, किसी को भी रेंडमली एलोकेट कर दिया जाता था। लॉटरी सिस्टम नहीं है, लॉटरी सिस्टम मीन्स रैंडम एलोकेशन, बट दैट इज नॉट द गेम राइट नाउ, वो चीज आज नहीं करती एग्जिस्ट। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नाउ इन दिस इट मीन्स दैट डी कैन नॉट बी योर आंसर, डी तो आपका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना, डी आपका आंसर होगा ही नहीं। ओके, सो द राइट आंसर इज ए ओनली, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बचा ही एक ऑप्शन है आपके पास। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ओके, आपको सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बाय इफ्स एंड बट्स। जो यूपीएससी का पैटर्न होगा इट विल बी फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बट स्टिल यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, यू हैव टू यूज योर यू कैन से नॉलेज, वो भी आपको यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। सो दिस इज वॉट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर न्यूज। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन बाय विनय सहस्त्रबुद्धे, हु इज अ स्पोक्स पर्सन फ्रॉम बीजेपी। ओके, अब ये बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, एंड द पॉइंट इज दैट ही हैड बीन नेशनल वाइस प्रेजिडेंट, तो मतलब प्रो बीजेपी का थोड़ा बहुत इन्होंने लिखा होगा। बट ही इज मेंशनिंग अबाउट द ट्रेंड दैट हैज बीन सीन इन द यूपी इलेक्शन, कुछ ट्रेंड है, कुछ रिजल्ट्स आए हैं जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स, उन्हीं को ही हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स ही इज सेइंग दैट वेलफेयर प्लस डेवलपमेंट हैज स्ट्रक द कोड, एंड दैट्स व्हाई यूपी इलेक्शन प्रूवन दैट कास्ट काम नहीं करती, बाकी चीजें काम नहीं करती, डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई ही इज सेइंग दैट, सो ही कमिंग आउट विद सम ऑफ द arguments. So he is saying that voters now they are mature, they are moving above their caste, अपनी caste और community से ऊपर आके वो vote कर रहे हैं. Okay, and they have voted in the favor of welfare plus development combination. Okay, now there are few things you have to understand. One thing is that you have to praise Modi ji for one fact that he is providing the scheme. जो भी स्कीम प्रोवाइड हो रही है दैट इज हैविंग मिनिमम लीकेजेस, बिना लीकेज के वो पहुंच रही है, मतलब बिना करप्शन के वो अपने बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है। यू टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके, इट इज रीचिंग टू द पीपल, पहल स्कीम वो भी जनता तक पहुंच रही है, सिलेंडर पहुंच रहा है, गैस पहुंच रही है, पूरे गांव में अगर एक भी घर बन जाता है तो इट गिव्स होप टू द पीपल। आई एम सेइंग दैट द पेस इज नॉट गोइंग टू बी दैट रैपिड, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होगा। यू कैन नॉट बिल्ड, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट अ मास स्केल, बट आई एम सेइंग दैट इवन इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग 10 हाउसेज और 100 में से 10 बेनिफिशियरी को वो हाउस मिल जाते हैं, इट इज ब्रिंगिंग होप टू द पीपल, लोगों में होप है, बिना लीकेज के हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर again without leakage, and this is what people are praising. This is one point, and other point they are saying that like social engineering is not going to work. To pehle kya hota tha, caste dynamics pe jo hai voting kar dete the. Dekho, caste is still a factor, but the point is that people are moving away, it is quite visible. Other thing is that you have to give some credit to the Yogi ji performance ki baat kare, specifically law and order. Law and order. We don't agree to the method that he used, and counter method nahi hona chahiye. But the point is that he has worked upon law and order. Kuch na kuch to kiya hai, janta ko kuch to relaxation mila hai. Okay, so we cannot deny this fact. Next point is that no thumbs up for dynasties. Okay, so dynastic politics is not going to work. So we know that dynasts are losing the elections and they are less effective leader. ये भी समझ में आता है, जो dynast है वो less effective leader है. Okay, this is the point. But it is not true for all. सबके लिए नहीं होगा, but definitely this angle does exist. So this is how the point is. This is what the point is. And at the end of the day, leadership it does play important role. तो charisma of Modi ji it had played some role, specifically in case of Uttarakhand. वहां तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर तो फिर इन्हीं के नाम का वोट पड़ा है. Okay, so this is how the total scenario is right now, and it's a change according to Mr. Sahastrabuddhe. और ये change वाकई कुछ ना कुछ आएगा, as voter become more literate, more educated, these changes are going to take place. Look what Punjab has done. They are taking a bigger risk. आम आदमी पार्टी को बना दिया. Okay,
So this is the point. This is the point. So they are going to take risk. And they said that, okay, we have tried everyone. इतने लोगों को try कर लिया, ये क्या ही गलत कर लेंगे, इनको ले आओ. And they have given the full mandate. This is how the thing is. Okay. So we'll move to the next part now. आगे चलते हैं, तो देखिए एक और सवाल आपके सामने लेके आए हैं. बाकी सब ये analysis है, that why BJP won the election. These analysis are not important for our exam point of view. Okay. हमारे exam के लिए important नहीं है ये चीजें. So directly we'll move to the this particular question that they did ask in prelims 2020. Now please try to answer this question. A constitutional government by definition is a, so there are four options: government by legislature, popular government, multi-party government, limited government. So constitutional government jo hai wo kya hoti hai, and the reason you need to understand, why do we need a constitution? Constitution waake hi chahiye kyun aapko? Aisa kya karta hai constitution? Okay, ऐसा क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द पॉइंट. सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एज पर यू, आपके हिसाब से क्या होगा भी. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होती है? क्या वो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होती है? क्या वो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है? और इज इट अबाउट मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और इज इट अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट? व्हाट इज द करेक्ट व्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट? नाउ द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट राइट आंसर इज डी. D is the right answer. Why this constitutional government is there? The idea is related to the constitutionalism. Okay? Idea is related to the constitutionalism. It means that your government need to be limited. Sarkar control mein rahe. There have to be checks and balances. Checks and balances. If these are not there, agar ye limited nahi hogi, then your government will become despotic. आपकी सरकार मन मर्जी करेगी. Okay? जो वो चाहेंगे वो होगा. That's why we need to have the constitutional government. Now I am asking this thing to you. Do you find what are the features of constitutional government then, which are present in Indian constitution? Indian constitution में ऐसे कौन से feature present हैं which says that we have a limited government, जो सरकार को रोक के रखते हैं. What are the features that are there? Or you can say, which categorically says, make this government to be pro-people, जनता की सरकार बनाती है जो इसे. Okay, what are the features? Can we say fundamental right? It is there. You have a preamble. So preamble guides your government. Preamble आपकी सरकार को guide करता है. Restrict चाहे ना करता हो, but guide तो करता है. Okay. Then you have DPSP. So DPSPs point towards the objectives of the government. Government के objective क्या है, क्या करना है उनको, वो instructions हैं. ठीक है ना? So these are the points you have to understand. ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी. This is why we have constitution. It limits your government. We have federal form of government. Subjects are divided. आपके यहाँ पे subjects divided हैं. States के state list वाले, union के union list वाले. Okay? So, both of them will work accordingly. वो उसी तरीके से काम करेंगे. And then, judicial review Karn, I would like to bring it under the fundamental right only, क्योंकि constitutional remedies जो है, वो आपको fundamental right दिया गया है. Okay? So, Karn, judicial review वहाँ हम cover कर लेंगे, उसको आप अलग से भी मेंशन कर सकते हैं. यू कैन मेंशन इट सेपरेटली इफ यू वांट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं, देखिए अगली न्यूज. नाउ यूक्रेन क्राइसिस डिलेज द AK-203 रीट्रायल्स. ओके, सो वी वर सपोज टू मेक दीज AK-203 राइफल इन यूपी. यूपी में बननी थी एंड द डील वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. सो आइडिया वॉज दैट 6.1 लाख राइफल्स का बनाने वाले थे. ओके, and now it has been delayed because of the war that is going on, and this is the problem. So tomorrow if there is another war that starts between India and China, kal India aur China ke beech mein bhi war start ho jata hai, so we may face the issue of spare part aapke paas nahi aayenge because Russia is busy over there. Okay, so this is the point that you have to understand. Delivery of these rifles has been completed. जो है 70,000 राइफल्स वहां से आ गई हैं, बट इट कंप्लीट डील वाज अबाउट 6.1 लाख. वो आपको यहाँ पे बनानी थी, तो दिस हैज बीन डिलेड हियर. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं. नाउ गवर्नमेंट ड्रग स्टोर्स टू सेल न्यूट्रास्यूटिकल्स.
अब ये न्यूट्रासूटिकल्स मालूम होना चाहिए, हमें पता है, बट क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा एंड वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिक्स. ओके, इट अप्लाइज टू द प्रोडक्ट दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम हर्बल प्रोडक्ट, डायट्री सप्लीमेंट्स, स्पेसिफिक डाइट्स, प्रोसेस्ड फूड्स सच एज सीरियल, सूप, बेवरेजेस दैट अदर देन न्यूट्रिशन आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन. ओके, अब इनके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे बॉडी पे होते हैं, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी होते हैं. Now, what this news is about, right now we have Jan Aushadhi Kendra. So, Pradhan Mantri Bharati Jan Aushadhi Kendra Pariyojana is there and we have these Kendras. Now, these Kendras are going to sell these nutraceuticals. Inko bhi becha jayega at a cheaper rate. Theek hai na? Jo market mein hoga usse saste mein bechenge. Now, you need to understand what exactly this nutraceutical product will comprise of. Kyunki prelims ke andar to sawal isi ke upar hi banega. So, मुझे सवाल अगर बनाना होगा प्रीलिम्स के अंदर, आई विल मेक थ्री स्टेटमेंट्स. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी रिगार्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल, व्हाट एग्जैक्टली आर दे, वो एग्जैक्टली है क्या. सेकंड स्टेटमेंट कैन बी अराउंड दिस पॉइंट दैट व्हाट एग्जैक्टली दे डू, किस चीज को वो ठीक करते हैं. एंड देन सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट कौन सी चीजें न्यूट्रास्यूटिकल में फॉल करेंगी. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज. ओके, दे इंप्रूव द हेल्थ, डिले द एजिंग, प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज, इंक्रीज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. ओके, सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपकी एजिंग को डिले करता है, प्रिवेंट द क्रॉनिक डिजीज, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. तो ये स्टेटमेंट डाल के प्रीलिम्स का सवाल जरूर बन सकता है. ठीक है जी. नाउ दीज पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल, सम ऑफ द पॉपुलर आर एक्नीसिया, जिनसेंग, ग्रीन टी, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3, लुटेइन, फॉलिक एसिड, कॉड लिवर ऑयल, ये सब जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में फॉल करते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज योर होमवर्क, आपका ये होमवर्क है. यू दीज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस फॉलिक एसिड, क्या करता है कोड लिवर ऑयल, कौन से मिनरल्स लेके आता है, कौन से विटामिंस लेके आता है, ओमेगा 3 के अंदर क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, व्हाट एल्स आर देयर. ओके, लुटेइन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन इट, एंड इन दैट जिनसेंग में एग्जैक्टली क्या है, दिस इज वॉट यू हैव टू लुक इन टू. एक बार आप अपनी आंखों के सामने से लेके जाइए. ओके, सो दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी डूइंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है. सो वट एवर ईयर यू आर अपेयरिंग से 2022 और 2023, दिस हैज बिकम रेलेवेंट फॉर यू देन. ओके, तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इट विल टेक हार्डली 5-10 मिनट्स. नाउ द पॉइंट दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, वी आर गोइंग टू लुक इन टू एक्नीसिया. एक्नीसिया क्या है ये. ओके, Now, this is sort of a flower. ये एक तरीके से flower है. And like the compound that we are going to extract from this is going to help us. There are health benefits such as reduced inflammation, improved immunity, and it lowers the blood sugar level. Okay? So, ये additional information हमें मालूम पड़ गई यहाँ पे. This is the additional information that we have to remember. And again, this is relevant for your exam. Prelims के लिए ये important हो जाता है. ठीक है जी. So, साथ साथ तैयारी करके चलेंगे subjects की. And this is how it is going to help you in your exam. Now, we'll move to the next part. Now, आगे चलते हैं. देखिए, चिलिका लेक area to be off limit of motor boats. Now, चिलिका लेक, it provides होम टू द माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो वहाँ पे रेस्ट करते हैं, रहते हैं थोड़े टाइम के अंदर, दे ब्रीड एंड ऑल. एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट उनका जो नेचुरल लाइफ साइकिल है, इट हैज बीन समहाउ डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द मोटर बोट्स. मोटर बोट की वजह से, ह्यूमन मूवमेंट की वजह से उनको नुकसान होता है. सो दे आर थिंकिंग ऑफ कंप्लीटली बैनिंग दीज मोटर बोट्स एंड दिस इज वॉट दे आर प्लानिंग. बिल्कुल सही चीज, ऐसा करना भी चाहिए. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अगली न्यू देखिए क्या है आपके यहाँ पे. सो रशियन एयर स्ट्राइक हिट आर्मी बेस, किल्स 35. ओके, सो आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल. थोड़ा हमने डिटेल में देखा था, तो इसको दोबारा एक बार मैप के थ्रू देखेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है. नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्ट. ओके, कि दे आर नाउ टारगेटिंग द पॉलिश एरिया. अब क्यों ऐसा किया जा रहा है, जरा ध्यान से देखना है इस चीज को देखते हुए. नाउ व्हाई दिस इज बीइंग टारगेटिंग, व्हाई दे आर टारगेटिंग द वेस्टर्न यूक्रेन. ओके, बिकॉज टू विन अ वॉर यू हैव टू कट द सप्लाई लाइंस. आपको सबसे पहले तो सप्लाई लाइंस काटनी पड़ेंगी.
You have to first cut the supply lines. Now, till the time these supply lines are open, definitely the help from Poland is going to be there. यहाँ से help आती रहेगी. So that's why they have now started targeting the western areas. Okay. Already you need to understand they have some stronghold from south. Crimea से इधर आ रहे हैं वो. Okay. They have movement from the east as well. East में भी gain कर रहे हैं. कीव के आसपास भी हैं यहाँ पे. ओके सो ओनली एरिया दैट इज बीइंग ओपन फॉर द यूक्रेनियंस इज द वेस्ट. तो वेस्ट का एरिया ही है सो जो अभी खुला है. नाउ इफ दे सीरियसली वांट टू विन दिस वॉर एंड दे वांट टू एंड इट, ओके ये जल्दी से इसको एंड करना चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली वे, यही एक तरीका रह जाता है. ठीक है ना. येट यू कट ऑफ द सप्लाई लाइन्स. जब टिल द टाइम यू आर नॉट कटिंग द सप्लाई लाइन्स दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. जब तक आप सप्लाई लाइन्स नहीं काटोगे समस्याएं ऐसी कैसी रहेंगी. ओके सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ कितनी लंबी ये लड़ाई चढ़ने वाली है वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच. वो तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे. ओके सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी. नाउ अदर इज रिगार्डिंग दिस. नाउ ईरान क्लेम्स मिसाइल बैराज नियर द यूएस कॉन्सुलेट इन इराक. ओके सो ये यूएस कॉन्सुलेट जो है इराक में थी उसके नियर बाय एरिया में ईरान ने कुछ मिसाइल का स्ट्राइक किया है. ठीक है ना. एंड अ डैमेज बिल्डिंग इन द आफ्टरमथ ऑफ मिसाइल अटैक्स इन इब्रिल. सो इरबिल, ओके ई आर बी आई एल इज द एरिया वेयर दिस अटैक हैज हैपेंड. नाउ व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज पार्ट ऑफ इराक. ये इराक में है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ये आपको आपकी प्रीलिम्स के लिए याद रखना पड़ेगा. व्हाई Look at this question that UPSC did ask in 2018 prelims. ये सवाल याद रखना जरूरी है. तो देखिए ये सवाल कहता है कि regions sometimes mentioned in news and the countries. Now it is talking about Catalonia, it is talking about Crimea, it is talking about Mindanao, it is talking about Oromia. Okay. So you should be knowing these particular areas. पहली चीज match the following का ये सवाल है. So if I am going to add another, you can say कॉम्पोनेंट, तो मैं उसमें इरबिल एड कर दूंगा यहां पे. ठीक है ना. इट कैन बी इजिली एडेड. इरबिल कैन बी इजिली एडेड हियर. ओके एंड इन फ्रंट आई विल राइट इराक. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी. नाउ यू हैव टू कम आउट विद द राइट आंसर. अब आप इसमें से बताइए कि इसमें से वाकई सही आंसर कौन सा है यहां पे. ओके सो दीज पर्टिकुलर ऑप्शन आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ कैटलोनिया इज इट इन स्पेन. सो इफ पीपल आर वॉचिंग न्यूज एट दैट टाइम Catalonia wants to be a separate part or as a separate country. Catalonia के अंदर एक तरीके से voting भी हुई थी and they want to come out as a separate country from Spain. वो खुद को Spain से अलग करना चाहते थे. That's why it was in news. Okay? So this is the right part. ये बिल्कुल सही है. Another point is that Crimea. Now Crimea इसमें सामने लिखा है Hungary. We know that Crimea was annexed by Russia. Crimea के ऊपर तो कब्जा रशिया ने किया था. ओके सो इट मीन्स दैट सेकेंड इज रॉन्ग. सेकेंड रॉन्ग हो जाता है. अब आपको एक चीज मालूम है. यू नो वन थिंग दैट फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट इज राइटली मैच्ड. इट मीन्स दैट आइदर द आंसर विल बी फ्रॉम ए एंड सी. ओके ए और सी में से आंसर होगा. बट यू ऑल्सो नो दैट सेकेंड इज रॉन्ग. तो ये रूल आउट हो गया आपका ये. ओके सो इफ वेन वी नो दैट क्रीमिया इज इन रशिया, हंगरी का कोई लेना देना नहीं है, तो आप सेकेंड को रूल आउट कर दोगे. तो यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन दैट इज द सी. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन स्टिल डू द क्वेश्चन विद लिमिटेड, यू कैन से इनसाइट एज वेल. अगर आपको लिमिटेड नॉलेज भी है तभी भी आप सही आंसर दे सकते हो. ओके सो दीज पर्टिकुलर एरियाज वर इन न्यूज एंड दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर दैम. दैट्स द पॉइंट. So we'll move to the next part now. Now Iran suspend talks with Saudi Arabia. Okay, so it was a new development in geopolitics. They were exploring to mend their ways. जो भी differences हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे ये. And right now Iranians are not happy with this because recently 81 executions took place in Saudi Arabia. बहुत बड़ा ये amount था, number था. 81 लोगों को मारा गया वहाँ पे. मारा in the sense that फांसी वगैरह दी गई थी. Okay, and in that 41 were Shia. So they were 41 were Shia Muslims and this has not gone well with the Iranians. Okay, तो इनको ये चीज पसंद नहीं आई है and that's why like they are not happy with this and they suspended the talks. This is the news that is there. Okay, other news is that Russia used phosphorus shells in Donbass attack. Again we are going to get some prelims related information here.
तो पहली बात है कि ये फॉस्फोरस शेल के अंदर इन्होंने दे यूज व्हाइट फॉस्फोरस, ओके, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो यूज किया गया था. नाउ व्हाट डज इंटरनेशनल लॉ सेज, इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन हैविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरिया. तो सिविलियन एरिया में तो आपको इसे यूज नहीं करना है, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल लॉ से, बट अलाउज देम इन ओपन स्पेसिस टू बी यूज एज कवर फॉर ट्रूप्स. ओपन स्पेसिस में ये अलाउ है, ओके, ओपन स्पेसिस में ये अलाउ है. नाउ इट वॉज ऑल्सो यूज बाय नाजीज, तो नाजी जब थे, जर्मनी जब अटैक करता था, तो ये यूज दिस टाइप ऑफ वेपन्स एंड इट वॉज नोन एज फ्लेमिंग अनियन. तो उस टाइम पे इसे बोलते थे फ्लेमिंग अनियन, ओके, सो इट वॉज नोन एज फ्लेमिंग अनियन. नाउ दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये सारी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ओके. सो दिस इज हाउ द पॉइंट इज. नाउ ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग अनियन पे भी सवाल पूछ सकता है कोई, एंड यू शुड बी नोइंग दैट इसे व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं. नाउ व्हाइट फॉस्फोरस, दिस इज जस्ट वन यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, कि भाई ये वॉरफेयर में यूज हो रहा है. इज देयर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूज, क्या व्हाइट फॉस्फोरस का कोई इंडस्ट्रियल यूज है, ओके. दिस इज व्हाट योर होमवर्क इज, सो यू हैव टू टेल व्हाट एग्जैक्टली इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. ऐसा नहीं होता कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह होगा, इट विल हैव सम सिविलियन यूज, इंडस्ट्रियल यूज, वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ओके, वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है. So we'll move to the final point here, okay. So Adani Groups, they signed a deal for power projects in Sri Lanka. It's a good development. And other than that, Sri Lanka is already undergoing a crisis. वहाँ पे तो खाने पीने का भी problem हो गई है. And power shortage will definitely be there, okay. So in that, Adani Group is going to provide, it's a completely business deal. ये पूरी business deal है. But it's a good thing that ये Indian firm is getting benefit out of it, okay. एक Indian company को benefit हो रहा है यहाँ पे. So that's the point. And other than that, there is nothing. कुछ खास नहीं है यहाँ पे. Okay. So that's it for the day. And now I'll take up your doubts. We'll look into the comment section. What exactly you are saying. So Santosh Behra. Okay. You belong to Odisha. Okay. Fine. Separate judiciary. Okay. Judicial review. Federal government. Fundamental right. Judicial review. Okay. Accountability. Okay. Answerability. Fundamental right. DPSP preamble. Okay. Yes. ओके दिस इज द पॉइंट, ठीक है. ओके रिस्क इज स्वीट एंड सॉल्ट, बिल्कुल लिया जाए, पंजाब में रिस्क लिया है उन्होंने. सर इज नाइन्थ शेड्यूल रिव्यू सी मोटो एक्शन और नीड अ PLI, इट इज नॉट PLI, इट इज PIL, सुओ मोटो है या फिर इसको PIL डालनी पड़ती है. सो सिंपल सा फंडा है, पहली बात इसके अंदर इट डिपेंड्स, ओके इट डिपेंड्स, नॉर्मली केसेस तो फाइल हो ही जाते हैं, तो इसमें कोर्ट को सुओ मोटो करने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज योर ओपोनेंट पार्टी इज ऑलरेडी देयर. सो चाइना इज डूइंग इट इंटेंशनली विद इंडिया नॉट बीइंग एंगेज्ड लाइक दैट यूक्रेन डिमांडिंग मेंटरशिप इन एनी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन. ओके सर फॉर अदर कंट्री वी कैन नॉट पुट आवर ओन कंट्री इन डेंजर, दैट्स द पॉइंट. तो ये चीज समझनी है, देयर हैज टू बी सम रियलिज्म इन इट. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेस सेशन हियर, ओके. सो दैट्स इट फॉर द डे देन. Thank you very much.